हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आप यहां पर देख सकते हो कि हरियाणा के अंदर एक नई जो है चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जिसमें जो है अब हरियाणा सरकार ने एक नया ही कदम उठाया, जिसमें जो है पड़ोसी जो राज्य हैं उनके जो रिटायर टीचर हैं, जो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं और कहीं ना कहीं पेंशन भी ले रहे होंगे, वो जो हैं अब हरियाणा में पढ़ा सकते हैं। हद की बात है, हरियाणा में जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, जो काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं, एसेट क्वालिफाइड हैं और पता नहीं कितनी बार एसेट क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। इसका अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि भैया हरियाणा में जेबीटी की अगर वैकेंसी की बात की जाए, तो काफ़ी लंबे समय से यानी कि 2012 के बाद जेबीटी की वैकेंसी नहीं आई है। और अगर उसी मान सकते हो 8 से 10 साल हो गए हैं। और टीजीटी वैकेंसी की बात की जाए, तो लास्ट जो पीजीटी की वैकेंसी फिल हुई थी वो हुई थी आपकी 2015 में, नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, और 2016 में जो है एग्ज़ाम हुआ था। अब 2022 आ चुका है और जिसका जो ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन 2019 में रिलीज़ किया गया, 2022 में उसको वापस ले लिया गया, ठीक है। पीजीटी की वैकेंसियों की बात कर रही हूँ मैं। और जो है जो बच्चे वेट कर रहे हैं, क्यों भाई हमारे अब रिसेंटली हरियाणा सरकार ने एक चीज़ और की थी भाई, कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बहुत वो की हैं। सीटेट को जो है एसेट के बराबर मान्य कर दिया गया था जेबीटी एंड टीजीटी के लिए, यानी कि पीआरटी और टीजीटी लेवल के लिए, यानी कि जिनका सीटेट क्वालिफाइड और एसेट क्वालिफाइड नहीं है वो भी हरियाणा में जो है एज ए टीचर अगर टीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी आती है तो वो फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। यही चीज़ें आई थी। अब एक और नई चीज़ निकाल दी है कि भाई अब हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य के जो रिटायर्ड टीचर हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर काफ़ी सारी खाली वैकेंसी पड़ी हैं। खाली वैकेंसी है क्या? खाली बच्चे नहीं है, जो बेरोजगार बच्चे नहीं है, जो इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं, जो एसेट क्वालिफाइड बच्चे हैं, क्या उनके अंदर टैलेंट नहीं है? टैलेंट की कमी है क्या? मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे? वैकेंसी निकालने के बाद वैकेंसी वापस ले जा रही है, क्यों नहीं निकाल रहे हो भाई? 4 एसेट होने वाले हैं तुम्हारे, बच्चे जो है इतने लंबे समय से वेट कर रहे हैं और अब जो है ले देके नए नए रूल्स बना रहे हैं आप लोग। कितनी गलत बात है, कितने हरियाणा के जो बच्चे हैं उनके साथ कितना गलत हो रहा है। हरियाणा के सरकारी स्कूल में, अब ध्यान से समझना क्या क्या चीज़ें हैं, हरियाणा के स्कूलों में टीचर्स की कमी है तो वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है भाई? बच्चे जो वेट कर रहे हैं, क्या हरियाणा में कोई बच्चा एसेट क्वालिफाइड नहीं है? क्यों फिर एसेट का एग्जाम दिया है? क्यों फिर हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला गया है कि भैया ये होगा? अरे बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उस चीज़ को, आप एक वैकेंसी तो निकालो ताकि वो स्क्रीनिंग भी निकाल सके, है ना। पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग ने सेवानिवृत्त टीचर्स को नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। अब इतने पुराने टीचर्स, रिटायर्ड टीचर आएंगे, उनको भारी भरकम सैलरी दे सकते हैं, लेकिन हरियाणा वाले बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको सैलरी नहीं दी जाती। बहुत बढ़िया। टीचर्स की पुनर्वृत्ति के लिए 1 जुलाई से पोर्टल खोला जाएगा, यानी कि आज से जो है ये पोर्टल खुल गया है। इसमें सरकारी स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। यही पड़ोसी राज्य के सरकारी स्कूलों के सेवानिवृत्त टीचर्स भी इस पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। यह आवेदन पीआरटी, टीआरटी, जीटी एंड पीजीटी पदों के लिए किए जा सकते हैं। प्रदेश में शिक्षकों के 38 से 40 हज़ार सीटें कहाँ हैं भाई? वो सीटें, अगर सीटें हैं तो हरियाणा वाले बच्चों को क्यों नहीं दी जा रही हैं? तुम निकालो तो सही, अदर स्टेट के फॉर्म भर देंगे, लेकिन तुम वैकेंसी तो निकालो। शिक्षा विभाग के निर्णय के अनुसार न केवल सरकारी और शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त स्कूलों के सेवानिवृत्त टीचर्स इस पोर्टल पर अप्लाई कर सकेंगे, बल्कि जो गेस्ट टीचर सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। 38 से 40 हज़ार सीटें हैं पर, लेकिन है ना, परमानेंट वैकेंसी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। वैकेंसियाँ निकलती हैं, आती हैं, जाती हैं और गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो कितनी गलत बात है, पता नहीं क्या क्या नए नए रूल्स बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो बेरोजगार युवा हरियाणा का घूम रहा है, जो काफ़ी लंबे समय से बच्चे रोज़ बोलते हैं मैडम कब आएंगी वैकेंसी, कब कुछ जो है अपडेट है क्या HSSC PGT स्क्रीनिंग एग्जाम से लेके, तो भाई क्या हो रहा है? आप लोगों को नहीं लगता कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं? कहीं ना कहीं आप लोगों को इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। जब जगह जगह बोला जा रहा है 38 से 40 हज़ार खाली पड़े हैं तो निकालो ना भाई। क्यों नहीं निकाल रहे हो वैकेंसी? क्यों नहीं पीआरटी में वैकेंसी निकाल रहे? क्यों नहीं टीजीटी में वैकेंसी निकाल रहे? क्यों नहीं पीजीटी में वैकेंसी निकाल रहे? अब तो तुम्हारे इलेक्शन भी आ गए हैं, 2022 भी जाने वाला है, आधा चला गया है, जून खत्म हो गया, जुलाई शुरू हो गया, आधा अब क्या बच गया इलेक्शन में? 2024 में तो इलेक्शन है ही, 2024 में इलेक्शन, अब तो तुम्हारे इलेक्शन भी आ गए, तुम्हारे इलेक्शन का वेट करते करते भैया पहुंच गए हैं यहाँ पे। अब तो निकाल दो, अब तो कर दो वैकेंसी, 2023 में जो है मार्च में ही ज्वाइनिंग दिलवा दो, नहीं तो। लेकिन नहीं,
कोई अपडेट नहीं है किसी भी एग्जाम को लेके, लेकिन हाँ जगह जगह न्यूज़पेपरों में आपको ये जरूर मिल जाएगा 38 से 40 हज़ार पद खाली हैं, लेकिन जो बच्चे जो बेरोजगार बैठे हैं वो नहीं दिखाई दे रहे कि बच्चे भी बेरोजगार बैठे हैं, उनको भी चाहिए, लेकिन नहीं ये चीज़ें कहीं नहीं दिखानी। और आप लोग भी ना सुस्त पड़े रहो, कुछ कुछ मत करो, बस बोलो मैडम आप कुछ करो, आप करोगे तो हम आपके साथ रहेंगे। अरे भैया मैं तो कर दूँ, लेकिन आप लोग भी तो कुछ करो, सारे मिलके एक साथ जुट होकर कुछ तो करो, तभी तो कुछ होगा। बाकी आप लोगों की समझ है, आप लोगों को अगर ये डिसीजन अच्छा लगता है बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कीजिए सरकार के ऊपर, है ना। पीछे जो डिसीजन लगा था कि भैया सीटेट वाले भी एसटेट के बराबर हैं, तो फिर जो है अलग अलग स्टेट के एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों बनाए गए हैं। लेकिन जो है अगर आप लोगों को अच्छा लगता है वो आप लोगों के ऊपर है, आप जाने, ठीक है। लेकिन मेरा था यहाँ पर आप लोगों को जागरूक करना, आपको बताना आप लोग इस डिसीजन से या पहले वाले डिसीजन से कितने ज़्यादा जो है सरकार के साथ करते हैं, या फिर जो है बाहर के ही जो है आ जाए यहाँ पर, हरियाणा वाले कहीं और चले जाते हैं, है ना। बहुत बढ़िया है, करते रहिए, क्या करना है आप लोगों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जो है आप अपनी बात को आगे भी बढ़ा पाएँ इस बात को, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।